मॉडिफाई कर दे
लेते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग डिजाइन करेंगे। हाँ, डिजाइनिंग भी करेंगे हम इसके अंदर। तो देख सकते हो गाइस, एकदम वैसी तो नहीं बनी लेकिन अच्छी सी ही बन गई। तो चलो गाइस, अभी इसके अंदर हम लोग डिजाइन करते हैं। मेरे पास कुछ ऑयल पेस्टल्स एंड कुछ स्केच पेन्स हैं, तो चलो डिजाइन करते हैं इसको। परम 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 स्टार स्टार तो येलो से अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। गाइस को दिखना चाहिए ना जो तू स्टार बना रहा है। रुक जा रुक जा, पूरा बना के दिखाएंगे ना। हाँ, और तब तक मैं इनको हंसाऊंगा, जोक्स मारूंगा। हाँ गाइस, आप इसके जोक्स सुनो तब तक हमारा डेकोरेशन चल रहा है। हाँ। क्योंकि हम अपनी वीडियो का कोई भी पार्ट कट तो करते नहीं है। लिसन हिज जोक्स और ये देखिए, ये एक सिप जा रही है और ये है पाकिस्तानी, यह है पाकिस्तानी और मैं हूँ इंडियन। तब अरे मतलब मैं गेम ही नहीं खेल रहा भाई, मैं तो डेकोरेशन कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी वो इमेजिन करो जो अभी ना इंडियन आर्मी लोग जा रहे हैं। चुप यार, मैं कर रहा हूँ ना तू। और फिर ओ भाई साहब, भाई मेरे जस्ट सामने से बोली गई ओपी रैंक भी हो गया और ओपी भी हो गया। इसे बोलते हैं एक तीर से दो निशाने। और इसी के साथ हमारा इंडिया का झंडा भी तैयार होने वाला है भाई। बस ओ थोड़ा सा रह गया। तू थोड़े से बेकार पेन भी रखता है, लेकिन होना चाहिए गाइस। अगर आपको कुछ ये बेकार पेन नहीं है, लाइट 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 ब्लू शेड करने के लिए। हाँ, ये पेन सही होते हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को बेकार पेन भी रखने होते हैं, नहीं तो किसी क्राफ्टिंग में काम आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे ब्लैक पेन्स में कार्डबोर्ड लगा के मैंने टैंक्स बना दिया उनसे। हाँ, और ये मैं आपको दिखाऊं क्या बोलते हैं लाइक भाई, वो तेरे पास है। हाँ, ये देखिए, ये इसकी ओपी गाड़ी है, बहुत मस्त है। और ये मैंने अपने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाई, पता नहीं मेरे को याद नहीं कौन सा था कार्डबोर्ड बॉक्स, लेकिन ऐसी एक और मेरे पास बहुत सारी है ऐसी गाड़ियाँ। मतलब ये एक साबुन का बॉक्स है, देख। साबुन का बॉक्स से मैंने बनाई, लेकिन इसके लिए बहुत सारे साबुन के बॉक्सेस चाहिए मेरे को। तो अगर आप चाहते हो कि ये गाड़ी का भी आपको ट्यूटोरियल मिले, तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स होने चाहिए और 1000 कमेंट्स स्पैम कर दो। कार्डबोर्ड गन क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड कार, सॉरी गन नहीं पर कार। तो देख लो लेनोवो की गाड़ी है, इसके पास इतनी ओपी लंबरगिनी की ये गाड़ी है। हाँ, और यहाँ इसका एक मिलिट्री बेस है। एक दिन हम लोग ना यहाँ से ना एक स्टोरी बनाएंगे आप लोगों के लिए। हाँ, स्पेशली केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी आपको सुनाएंगे गाइस। रॉकी रॉक्स यस। और गाइस मैं आपको बताऊं, ये वाली बाइक ना इसकी आवाज बड़ी ओपी है, ये इंटरसेप्शन करती है और ये बड़ी ओपी है। हाँ, ये अभी यहाँ ज्यादा ओपी तरह से चल नहीं रही है, वरना ये बहुत मस्त है। लेकिन चलो गाइस, और इसकी जो रोबोट में भी बन जाती है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये इसका सिर छोटा सा और ये इसके हाथ और ये इसके पैर नहीं टायर है और ये इसका पिछवाड़ा जहाँ से ये पाग मारता है। और फिर ये इसका और फिर ये ना ऐसे करके ना जुड़ के फिर से बाइक बन सकता है, द रोबोटिक बाइक। जैसे रोबोट कार, कार से रोबोट बन जाते हैं ना, और रोबोट से कार, वैसे ये भी है। बहुत अच्छे चल। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, करते करते हमारा गन का डिजाइन भी हो गया। ये देख सकते हो हमारी ये अच्छी सी गन बन गई है। तो चलो गाइस, ये था पार्ट 1। अभी हम इस सब को हटाते हैं और आपसे मिलते हैं जब हम ये जो है हमारा वॉकी टॉकी उसके जुगाड़ के लिए जब हम जाएंगे, तब हम मिलते हैं आपसे। बाय बाय। हेलो गाइस, तो हमारा आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो के पार्ट 2 में। बेसिकली ये एक ही वीडियो है, लेकिन हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया है। तो मैं मतलब ये देख सकते हो, ये हमारी गन थी, हटा ये हमारी गन बनाई थी चट्टी पे ब्लेड, जाओ और गिर जाओ, छुप छुप छुप। हाँ, तो अभी ये हम बनाएंगे ये वॉकी टॉकी। यस गाइस, आज हम पूरा मिलिट्री सेट कंप्लीट करेंगे गाइस। नहीं, पूरा मिलिट्री सेट नहीं, कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, तो गाइस इसको करने के लिए हमें चाहिए दो
फुट का लगभग एक एक आध सेंटीमीटर आपको साइड से काट लेना है और अलग करके रख देना है। फिर उस A4 साइज शीट को आपको ऐसे को करके फोल्ड करना है। ऐसे को क्या ओपी लग रही है, हम हिंदुस्तानी हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये हमारा ये है। तो अभी आप इसको ऐसे कर सकते हो, टेप लगा सकते हो। मैं लगा, और गाइस मैं आपको बोल दूं, असल में ये मेरा एक बेबलेड है, चड्डी बेबलेड। हाँ, इसका बहुत मस्त बेबलेड है जो कि मैंने इसको दिया है। ये मेरा है एक्चुअली। हाँ, लेकिन अब ये मेरा हो गया, इसने मुझे गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे में। टेप मत लगाया, टेप का काम है, क्योंकि गाइस मेरा बर्थडे ना हो चुका है 21 अप्रैल को। हाँ। लेकिन पार्टी पार्टी है सैटरडे को, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। हाँ। और उस दिन उसने मुझे ये भी गिफ्ट किया था, और एक कॉपी कार्ड जिसके अंदर दो स्क्रू नहीं थी। वो तो भाई दुकानदार का गलती थी। हाँ। मैंने क्या किया, मैंने तो वो खोली भी नहीं थी, वो जैसी एज इट इज पैक्ड आई थी वो मैंने तेरे को वैसी की वैसी दे दी थी। हाँ, अगर इसकी कोई गलती नहीं है, अभी उसमें या तो दुकानदार का फॉल्ट है, या तो भाई फिर वो कंपनी बनाने वालों का फॉल्ट है, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, तेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है। तू इसका मैंने तो जैसी थी वैसी ये वेस्ट पार्ट है गाइस। आप चाहो तो इसको रख सकते हो, वैसे रख ही लो, किसी और काम के लिए भी काम आ जाएगा ये। हाँ, तो देख सकते हो गाइस, अभी अगर आप इसको ऐसे छोड़ना चाहते हो तो पॉलिथिन बन जाएगा, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो चलो गाइस, अभी आपको क्या करना है, सिंपली ये रहना है और इसको इसके एंड से ऐसे करके रोल करते जाना है। अगर गाइस आपको इसको ना वो कुछ मन कर रहा है करने का इससे, हाँ तो ऐसे ये मैं हूं चड्डी बेबलेड का मालिक, चड्डी बेबलेड। ये देख सकते हो गाइस, ये बन गया रोल, ये देखो। हाँ, रोल। ये देखो, ये एक स्ट्रिप बन गई, इसको आप ऐसे कर सकते हो। फिर आपको इसका एंड काट देना है यहाँ से। ओ मेरे चड्डी बेबलेड, अभी जो वहाँ गया था ना, अभी वो वहाँ घूम रहा था और फिर अभी अभी बंद हुए। मेरे देख सकते हो गाइस आप, ये ऐसे करके इसका वॉकी टॉकी का ये सेंसर बन जाएगा, और अभी आप इसको ऐसे काट के लगा सकते हो। ये देख रहे हो, मेरे चड्डी बेबलेड के पास नंबर गिननी है, ब्रूम 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 भाई बना रहा हूं। हाँ, तो गाइस ये हो गया, आपको बस इसके यहाँ पे एंड पे चिपकानी है बस, इससे कि ये इधर को ना खिसके, और फिर आपको इसको ऐसे कर देना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इसको बना देना है एक अच्छा सा बटन बना देना है, जिससे अपन को ये बटन बन जाएगा। हाँ, एलियन शिप है, एलियन शिप नहीं भाई, ये लैंटर्न है। हाँ, जो दिवाली पे लगाते हैं ना, वो लैंटर्न है गाइस। अगर आप चाहते हो आपको इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट बता सकते में लिख हो। सकते हैं। हाँ, कमेंट में कमेंट में लिखने के लिए वैसे बहुत कुछ हो गया है। हाँ, एक्चुअली। और पता है कुछ लोगों को कीड़ा होता है, तो वो लोग ना यहाँ भी पेपर चिपकाते हैं और यहाँ दिया लगाते हैं। हाँ। और फिर ना यहाँ एक रोप लगा देते हैं और फिर कीड़ा नहीं होता भाई, वो वैसे ही बनता है। वो मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट था। हाँ। और उसमें हम ये मेरा सेकंड का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ओ भाई, सेकंड का मुझे नहीं पता है, सेकंड का प्रोजेक्ट है, और सेकंड में हम इतने एडवांस्ड नहीं थे कि हम बिजली की चीज़ों से छेड़खानी करें, तो हम पीछे ही रहते थे उनसे। और पता है अभी के लिए इसे एक एलियन शिप मानो, और हाँ। अभी ना ये जा रहे हैं और फिर मेरे, अरे हट भाई, को ड्राइंग बनानी है। तो गाइस अभी हम इसका यहाँ पे सेंसर बोर्ड बनाएंगे, सेंसर बोर्ड नहीं स्पीकर। हाँ, तो गाइस इसमें पूरे टोटल ये दो पार्ट्स ही रह रहे हैं, तो चलिए पेन निकालते हैं और बनाते हैं इसका सेंसर बोर्ड। मैं कुछ और डिजाइन भी बनाऊंगा, आप चाहे तो आप भी वो डिजाइन बना सकते हैं, वरना खुद के डिजाइन भी बना सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है जो हम लोग को डिजाइन ही बनाने हैं, लेकिन ये कंपल्सरी है जो आपको हम लोगों को ही चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नहीं नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं है कोई, पर अगर पसंद आए तो कर देना यार। वैसे भी इतना मेहनत करके इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं आपके लिए, आपका भी भाई, मतलब जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है बिना लाइक किए, या जो भी इस चैनल को देख रहा है बिना सब्सक्राइब किए, भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कर दो यार प्लीज। आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना मतलब देख रहे हो भाई क्या हाल भाई हो रहा है, फ्री में आप लोग देख रहे हो और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। मैं इतने मुश्किल से जोक्स लाता हूँ आपके लिए, पिछवाड़ा उठाई के चड्डी
फेवरेट पता है, ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। हाँ, इसको ये जोक सोचने तक में 2 घंटे लग जाते हैं गाइस, हमारी मेहनत आप समझा करो और करा करो, और प्लीज गाइस करा करो यार, सपोर्ट किया करो प्लीज। मैंने ना क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि मतलब अपने सक्सेस ही दिखाएंगे, हम जैसे कुछ करेंगे तो हम अपने बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे। जैसे अभी हमारी KGF चैप्टर 2 की शॉर्ट स्टोरी आने वाली है, वो तो हम उसके भी बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे कि मतलब कि ऐसे ऐसे। तो आप प्लीज सपोर्ट करो यार प्लीज। हाँ, गोली चला दूंगा। अरे मजाक है गाइस। हाँ, मजाक कर रही है वैसे भी। चलो यार अभी क्या ही बोल सकते हैं, आपको करना हो तो करो। देखो ये भी तो चलाने के लिए कह रहे पागल है। अरे भाई गाइस ये आपको हंसाता रहेगा, पर आप सब्सक्राइब कर दो गाइस। हाँ, और वरना इसका 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी मेहनत से जोक सोच के लाता है सिर्फ आपके लिए। हाँ। ये सिर्फ आप ही के लिए इतना इतना खुशहाल होता है, नहीं तो ये इतना खुशहाल नहीं है। इस पे पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है गाइस पूरा दिन, लेकिन तब भी अपने स्ट्रेस को भुला के 2 घंटा आपके लिए निकालता है गाइस। तो प्लीज हमको सपोर्ट करो यार प्लीज। लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, क्योंकि लास्ट में कुछ धमाकेदार होने वाला है, मैं आपको पहले बोल दूं। हाँ, लास्ट में हम दोनों एक मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ज्यादा कुछ धमाकेदार नहीं होने वाला है, बस हम अपने मैं अपने क्राफ्ट्स और इसके क्राफ्ट्स के बारे में करने वाला हूँ, मतलब जिन क्राफ्ट्स का उदाहरण मैंने लिया है। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरे क्राफ्ट कौन से हैं, ये देखो गाइज, ये है इसका क्राफ्ट, ये है मेरा क्राफ्ट, ये है मेरा, ये मेरा क्राफ्ट है, बना नहीं अभी पूरी तरह से, और ये भी इसी का क्राफ्ट है, और क्या बोलते हैं वॉकी टॉकी, हाँ ये वॉकी टॉकी भी इसी का क्राफ्ट है। तो इसके क्राफ्ट की और मेरे क्राफ्ट की फिर बाद में जंग होगी, और फिर देखा जाएगा कि किसका क्राफ्ट ज़्यादा अच्छा है। और मैं हारूंगा, आई विल डाई। अब मैं आपको एक सीन दिखा रहा हूँ, ये ना मेरा चट्टी बेवलेट है, ये अपने नंबर गिनने से जा रहे हैं, और ये ना विंटर आर्मी है, और फिर ये ना इसको गोली मारती है, लेकिन असल में पता क्या होता है, ये पाद मार रहा होता है, पाद के वजह से इसका शील्ड बन जाता है, और फिर ये गोली इधर उधर हो जाती है, और फिर ये लोग मशीन गन लाते हैं, मशीन गन। और हाँ गाइस, मशीन गन से याद है, अगर आपको हमारे वीडियो पे मशीन गन का क्राफ्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं, तो हम वो भी देंगे आपको वीडियो, मतलब अच्छा खासा कंटेंट है हमारे पास, तो बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, आप बस हमें सपोर्ट करो। हाँ हाँ, आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो चलो भाई अभी करते हैं। हाँ, आपको लग रहा है जैसे कि हम लोगों ने पॉज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, असल में ना वो 40 करके आ रहा हूँ सच में। हाँ, इसको वॉशरूम लगी थी तो इसलिए हमको पॉज करना पड़ा। हाँ, मुझे 40 लगी थी तब, और बोल लो बाथरूम में अभी इतनी गंदी बदबू आ रही, मैंने प्लस तक नीचे पागल है गाइस, बस आपको हंसाने के लिए कर रहा है। नहीं, अभी मैं गया था ना, लेकिन मैंने फ्लस प्लस सब कुछ अच्छे से किया। हाँ, वही हंसाने के लिए कह रहा है कि प्लस प्लस नहीं किया बस। हाँ, ये तो मैं इसको जानता हूँ, ये इतना बुरा बच्चा नहीं है, मतलब उदंडी नहीं है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये ऐसा कर कितना कितने साल का है? मैं 8 साल। अच्छा, मैं 12 साल का हूँ भाई। सिवा में ऐसा होता है, ये बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ फिर ठीक है, तू ऐसा मत बोल रही हो भाई। हाँ, और गाइस अभी मैं आपको एक ओपी सीन दिखाने जा रहा हूँ, ये है मेरे चड्डी बेबले, और अभी ये चलता है फुल स्पिरिट से। चड्डी बेबले पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, जिस चीजों पे काम हो गया ना गाइस, हम उनको साइड में रख देते हैं। चड्डी बेब्लेड ने विंटर आर्मी को हिट किया, आपने देखा ना? वो विंटर आर्मी नहीं, मेरा पैर था। अभी के लिए वो विंटर आर्मी का बेस है, और देख रहे हो ये क्या ओपी जगह में घूम रहा है, ओपी लग रहा है।
बिल्कुल। हाँ गाइस, मेरे हाथ के पीछे बहुत ज्यादा ही ओके लग रहा है। हाँ। पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, तो अभी भाई दिख रहा है, वो लोग अंधे नहीं है, मैं पहले बोल लूं। नहीं मतलब हमने कैमरा एंगल ऐसी जगह सेट किया है। हाँ, ये तो थी उत्तरी की। हाँ, वो लोगों को नहीं दिख रहा होगा। वैसे भाई मैं बता दूं, गाइस हो गया अपना वॉकी टॉकी तैयार। तो ये देखो गाइस, ये अपना वॉकी टॉकी, इसके रडार पे मैंने ऐसे ऐसे इंडिया का लगा दिया। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, पीछे लिख दिया इंडिया। और ये लोग आप ये गन है, तो अभी हम करेंगे जंग इसकी और मेरे की। तो भाई तेरे पास दो पिस्तौल्स हैं, मेरे पास एक ही है, कौन से सिलेक्ट करेगा इनमें से? अभी ये सब कुछ हटा देते हैं गाइस, अभी इन सब का कोई काम नहीं है। भाई इन दोनों के अलावा भी तो मैंने क्राफ्ट किया था ना। हाँ हाँ, क्या किया था? हाँ वो वाला था असल में, ये वाला। अरे बाप रे, कितनी अच्छी है। अरे हाँ गाइस, ऐसी तो मैंने भी क्राफ्ट की थी। रुको गाइस, मैं जरा लेके आता हूँ। वैसे बेसिकली इसी की स्ट्रेटेजिक्स यूज की थी, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजिक्स यूज की थी। और अगर मैंने उसको किया तो एक फुल सेट ऑफ आर्मी बन जाएगा विदाउट क्लोथ्स, मतलब वेपन्स में, विदाउट हेलमेट वेस्ट। तो मैं लेके आता हूँ गाइस। तो गाइस मैं ले आया हूँ, ये देख लो मेरी गन, ये मेरी AK-47। इसका मुकाबला कोई पेपर असॉल्ट राइफल नहीं कर सकती गाइस। अगर आप चाहते हो मैं इसका ट्यूटोरियल दूँ, क्योंकि इसी गन को मैंने अपने आइकन पे भी लगा रखा है। तो अगर आप चाहते हो मैं आपको इसको बनाने का ट्यूटोरियल दूँ, तो मेरे को प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये मेरी तीन गन्स है, ये तेरी तीन, और ये तेरी तीन गन्स है, इसको हटा ले। अभी मैं फ्री फायर का एक लॉटरी सीन दिखाने जा रहा हूँ, ये आ रहा है। तो एक मिनट रुक जाओ, पहले तू बाद में दिखा लियो, पहले मैं अपना कर लूँ। तो गाइस ये थे हमारे दो क्राफ्ट, ये सस्ता प्रमोशन था मेरी गन का। चल भाई अभी साइड हो जा। हाँ तो गाइस ये थी हमारी दोनों गन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये कनेक्टर पेन से बनाया था, सारी इंक खत्म हो गई है। तो चलो गाइस बाय बाय, चलते हैं।